सीधा जाओ, वो आगे वाला छोटा गेट है, ये गेट नहीं जाएगा, सीधे आते बाथरूम में जाएंगे। I'm going to go to the hospital.
और तीर कमातम सैरब का शब्द तीर
मातम से नाम किया था, हम उसकी तशहीर करें फिर के। मिलके मिलके करें मिलके सब मिलके मिलके भाई मिलके फिर करें मिलके सब मिलके सब। करती है हर जुल्म के अफसाने की, रंज सहने की, सितम सहने की, गम खाने की। हुसैन के लाशे के करीब आए, ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। नाना अब ज़ैनब से देखा नहीं जाता, नाना अपनी कमाई को बचाओ। अम्मा आओ, जिसे तुमने चक्कियां पीस पीस कर पाला था, उसका लाशा करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़ा है। मुसलमानों, गुस्ल न देना था न देते, कफन न पहनाना था न पहनाते, दफन न करना था न करते, लेकिन लाशे पर घोड़े तो न दौड़ाते। बहन के सामने भाई का लाशा पामाल तो न करते। 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई। आजीजों, इन बीवियों को, इन बीबियों को, इन बच्चों को, सैयद सज्जाद को मक्तल से गुजारा गया। अब वो मकाम आया जब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से अपने भाई के लाशे पर गिराया। अब भैया कोई रोने वाला नहीं है तो क्या हुआ? नाना की तरफ से ज़ैनब रोएगी, बाबा की तरफ से ज़ैनब रोएगी, अम्मा की तरफ से ज़ैनब रोएगी। लेकिन ज़ैनब ने एक अजीब मंजर देखा। एक मजलूम बेटा अपने बाप के लाशे को बड़ी बेउम्मीदी के साथ देख रहा है। एक दफा सैयद सज्जाद से मुखातिब हुई। मालक या बकियत जद्दी वा बीवासी, ऐ मेरे बाबा की निशानी, मेरे नाना की निशानी, मेरे भाई की निशानी, तुझे क्या हो गया है? इस तरह क्यों अपने बाबा के लाशे को देख रहा है? सैयद सज्जाद, तू गम न कर, मैंने अपने बाबा से सुना है, यहाँ मजारात बनेंगे, यहाँ रोजे तामीर होंगे। सच कहा था ज़ैनब कुबरा ने, आज मजार भी बन गए, रोजे भी तामीर हो गए, ज़ाहिर भी ज़ियारत के लिए जाते हैं। लेकिन सैयद सज्जाद ने अजीब कयामत का जुमला कहा। कब भी अम्मा, ये सब तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वो मजलूम बेटा क्या करे जिसके बाप का जनाजा बेगोरो कफन करबला की जमीन पर पड़ा रहे। आज जो ये काफिला चला गया, 12 मुहर्रम का दिन है ना आज, 12 मुहर्रम को सैयद सज्जाद एजाज इमामत से आए। आओ बनी असद वालों, आओ, आकर के लाशों को दफनाए। मुझे नहीं पता हुसैन का टुकड़े टुकड़े लाशा कैसे दफनाया, मुझे नहीं पता जब अकबर का सीना देखा सैयद सज्जाद की क्या हालत हुई, मुझे नहीं पता जब अली असगर का गुलू देखा सैयद सज्जाद की क्या हालत हुई। लेकिन एक एक लाशे को दफन किया, गंज शोहदा को दफना दिया, हुसैन को दफन किया, पाइंती पर अली अकबर को लिटा दिया, सीने पर अली असगर को सुला दिया, और अब उसके बाद कहा चलो बनी असद वालो, चलो तराई की तरफ, चलो फुरात के किनारे, चलो। फुरात के किनारे पहुंचे, एक लाशा अभी दफन होने के लिए बाकी है। किसका लाशा? अब्बास का लाशा। एक दफा कब्र खोदी, अब्बास को कब्र में उतारा, कपनी असद वालों दूर चले जाओ, मुझे कुछ बातें करना है। रावी कहता है बहुत देर तक बातों की आवाजें आती रही, यही कहा होगा अब्बास तुम कहां थे, ज़ैनब की चादर छिन गई अब्बास, सकीना को तमाचे लगे अब्बास, अब्बास जिन खेमों के तुम रखवाली थे घोड़ों के साथ आधा उन खेमों में आ गए, अब भी ज़ैनब कूफा में असीर है, सकीना तमाचे खा रही है। उठो अब्बास, उठो तेरे फातिमा।
दिया और मुकर गए, दरे फातिमा जला दिया और मुकर गए, मस्जिद में अली कत्ल किया और मुकर गए, फिर मुश्तबा को जहर दिया और मुकर गए, लेकिन न चुप सकेगी शहादत हुसैन की, मक्तल में ये सदा है जैनब के बहन की, इब्ने ज़हरा बाबैला, बाबैला सलमा बाबैला, इब्ने ज़हरा बाबैला, बाबैला सलमा बाबैला, इब्ने ज़हरा बाबैला, बाबैला सलमा बाबैला, हाँ हुसैन बाबैला, बाबैला सलमा बाबैला, हाँ हुसैन बाबैला, बाबैला सलमा बाबैला, इब्ने ज़हरा बाबैला, बाबैला सलमा बाबैला, हाँ हुसैन बाबैला, बाबैला सलमा बाबैला, अली अकबर बाबैला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह।